गाइस ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मिल सकती है एक ब्रांड न्यू चमचमाती महिंद्रा थार, वो भी सिर्फ एक रुपए में। आई नो विश्वास नहीं हो रहा होगा कि एक रुपए में एसयूवी कार कैसे मिल सकती है, बट ये एकदम सच है। कैसे जीत सकते हो ये वीडियो में आगे बताऊंगा। और इस वाले गेम में गाइस होने वाले हैं 25 किल्स। मजा आएगा आपको देख के भाई, इतने सारे क्लचेस है ना। और इस वाले गेम में इस वाले इग्लू में आता हूं, ना कि पिछले वाले में, क्योंकि मैं यहां पे उतरता ही नहीं हूं। मैं पिछले वाले में उतरता था, लेकिन आज मैं सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। और वेक्टर बिना एक्सटेंडेड के बेकार है। फिर आप एक बंदे को पूरा फिनिश करता हूँ, लूट लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी। नीचे बंदे आ चुके थे, यहाँ से मेरे को M7 मिलती है। इस बार बंदे को पूरा खत्म करता हूँ। यहाँ पे विजिटा नोक कर रखा था, इसको पूरा फिनिश करते हैं। और जिसने इसको लपेटा था, मारी थी अब उसकी। भाई कितनी पी फायर दी इस वाले बंदे ने। और फाइनली भाई इसको भी फिनिश कर देता हूँ। भाई क्या ही प्री फायर दे रहा था बंदा। खैर आप थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, इस वाले डब्बे को भी खोलते हैं, फिर देखते हैं और बंदों को। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं थार एट जस्ट 1 रुपीज। 15 सितंबर को एशिया कप का मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप अभी और टीम बनाओ। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करो। अगर आप रजिस्टर करने के 1 घंटे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपकी एंट्री फीस होगी सिर्फ 1 रुपए, और आपको मिलेगी सिर्फ 1 रुपए में महिंद्रा थार जीतने का मौका। तो मिस मत करो, अभी डाउनलोड करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, क्योंकि बाद में एंट्री फीस बढ़ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा MECNEW। तो डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश और साथ ही मिलेगा 1500 का बोनस कैश। डाउनलोड करो माई 11 सर्कल को डिस्क्रिप्शन से और अपनी टीम बनाओ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के लिए। खैर गाइस जब मैं आया था ऊपर के, भाई ऊपर से लेते एंगल। और पहले तो फोकट का किल मिला, इसको लपेटते हैं, फिर देखते हैं और बंदों को। और सामने से कोई भाई सिंगल टैप कर रहा था मेरे ऊपर, इस बंदे को दिया काफी डैमेज, उड़ के सीधा रश मारता हूँ इन पे। और यहाँ पे देखना बंदे, 3 बंदे एक के ऊपर एक नोक पड़े होंगे भाई, देखना। मतलब ये चीज तुमने कभी नहीं देखी होगी भाई, ये मतलब अलग ही चीज थी। वो तो स्मोक था, नहीं तो और मजा आता तुम्हें देखने में, क्योंकि स्मोक में वो हल्के से दिख रहे थे। अब यहाँ पे गाइस 2 बंदे नोक हो जाते हैं मोली से। और फिर मैं फेंकता हूँ एक नेड, क्योंकि मेरे को आ रहे थे फुट से, एक और बंदा है। और बचा हुआ बंदा पड़ जाता है नेड से। और यहाँ पे देखना बंदे कैसे, मतलब अभी देखो ध्यान से देखना भाई, एक टावर से लगा रखा था इन्होंने, मतलब 3 बंदे एक के ऊपर एक कैसे चढ़े पड़े थे, पता नहीं कैसे हुआ है पॉसिबल। खैर गाइस फिनिश करता हूँ इन्हें, फिर इस बार बंदे को धप्पा करते हैं भाई, सब पता ही नहीं इसके साथ क्या हो गया भाई। और फिर लपेटता हूँ इसे, ये कह रहा हूँ भाई ये हैकर है, मतलब कैसे आ गए यहाँ पे। अभी इन वाले बंदे को यार गंदे ही पहला मैंने। खैर यहाँ पे गाइस फिनिश करता हूँ। और ड्रैगन बॉल वाला मोड बेटर है 2.8 अपडेट के मुकाबले। ज़ोंबी वाले मोड में बिल्कुल मजा नहीं है यार जो इसमें है, क्योंकि तुम इसमें उड़ उड़ के भाई कहीं भी जा सकते हो यार। मतलब इसमें बंदे पहले में यार मजा आता है और क्लचेज होता है दबा के। 16 वर्सेस कोड खेलने में मेरे को आज तक इतना मजा नहीं आया जितना ड्रैगन बॉल में आ रहा है। खैर यहाँ पे गाइस सामने आई बग्गी, नॉक करता हूँ इस वाले बंदे को। फिर एक बंदा इधर था, यहाँ पे बंदा यार मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा था, मैं मोली वोली नहीं फेंक पाता, तो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, फिर दोबारा मोली फेंकता हूँ। मैं बंदे को एक हेडशॉट लगा, एक बॉडी शॉट लगी, तो बंदे की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी होगी। फिर बंदा उड़ के आता ऊपर मेरी छत पे, और एक और आता है। फिर अब यहां पे आ चुके थे 2 बंदे मेरे को लपेटते, और इस वाले बंदे को देखो। अब ये मोड खेलते खेलते मेरे को मोस्टली पता चल गया है कि बंदे कहां से कब आने वाले हैं, तो इसलिए आधी प्रीफायर तो गेम सेंस की वजह से होती है। यहाँ पे गाइस को फिनिश करता हूँ फटाफट। और फिर गाइस मेरा प्लान था ऊपर चढ़ के जाऊं, लेकिन इतने में इसका टीममेट रश मारता है, तो यहाँ पे देखो अब ड्रॉप शॉट। भाई बच गया बस, क्योंकि मैं करना कुछ और चाह रहा था लेकिन हो कुछ और गया। मेरा प्लान था इग्लू में जाने का, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाता, नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन ड्रॉप शॉट बचाता है मेरे को। फिर आता हूँ मैं इधर, यहाँ पे तक बंदा लपेटा इसे, आता इसका टीममेट। फिनिश कर देते हैं, फिर गाइस फाइनली निकलते हैं यहाँ से 17 किल के बाद। 17 किल मेरे सिर्फ इवेंट में हो चुके हैं, मतलब खतरनाक चीज थी ये। फिर गाइस मैं पोचिंग किया था, पीछे कोई फायरिंग करके बुलाता है, तो भाई इनकी इच्छा पूरी करते हैं। और यहाँ पे देखना भाई,
भाई ये कब से वहाँ बैठा है जैसे इसको पता हो भाई मैं यहीं पर आने वाला हूँ। खैर यहाँ पे गाइस एक बंदे का फुट सबसे सामने वाले घर से, और अब ये बंदे ना मेरे को ओल पे हैकर कहने वाले हैं शायद से इस वजह से क्योंकि मैंने उसकी टपली से फोड़ दी, क्योंकि यार देखे तेरे फुटस्टेप्स आए थे फिर तेरी टपली दिख रही थी तो मैं हैकर कैसे हुआ। खैर इन वाले बंदों का रिएक्शन देखना मजा आएगा आपको। अब ये कहता है हैकर है क्या भाई, फिर एक बंदा उड़ के आता है यहाँ पे, कहीं फुटस्टेप्स तो आते नहीं है शायद से वो सामने वाले घरों में चला गया है, तो अवॉइड करता हूँ। और अब सुनो भाई, अब किस बात का हैकर भाई, अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अगर उनकी स्क्वाड को क्लच मार देता ना भाई तो वो सिर्फ हैकर वाला बहाना ही मारते हैं। अब मैं वहां से निकल लेता हूँ, लास्ट वाला बंदा पता नहीं उड़कर कहाँ चला गया था भाई, कैंपिंग करने लगा था, तो मैं वापस आता हूँ क्योंकि ये भैया जी ड्रैगन बुला के मेरे बंदों को वापस बुला रहे थे। खैर इसको मैं फिनिश करता हूँ, पहले इसकी इच्छा ड्रैगन तो पूरी नहीं करता, मैं कर देता हूँ, मतलब इसे बाहर भेज देते लोबी से, और अब इसके टीममेट भी इसे बचा नहीं पाएंगे क्योंकि वो होते हैं यहीं पे रिकॉल। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी करके भाई किल चुरा देता मेरा, मतलब भाई वो मेरा किल था यार, चलो सब बाद में देखेंगे, पहले लपेटते हैं इसे। और अब बारी उस वैन वाले की जो कि कैम मार के बैठ जाता बहुत गंदा, तो मेरे को उड़ के जाना पड़ता है उसके पीछे। यहाँ फेंक तो एक मोली और बंदा उड़ के भगने लगता है, लेकिन आज छोड़ेंगे नहीं बेटा तेरे को, जब तूने किल चुराया तो अब सजा मिलेगी इसे। खैर यहाँ पे गाइस आता हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली बंदा यहीं कहीं होगा क्योंकि ज्यादा देर तो उड़ा ही नहीं होगा क्योंकि भाई की सोई थी। आते फुटस्टेप्स, यहाँ मेरे को हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भाई जोन हेल्थ खा रही है। अब इसकी खोपड़ी दिख रही थी सिर्फ, पता नहीं बॉडी शॉट कैसे लगा भाई। खैर क्या कर सकते हैं, अब स्पाइडरमैन बनकर उड़ाना पड़ता है मेरे को इसको। खैर ये बंदा पूरा घबरा गया था क्योंकि भाई ये कहाँ फायरिंग कर रहा था कुछ नहीं पता, इसका लगा मैं उड़ के आगे पीछे कहीं जाऊंगा, मैं इसको बिल्कुल ऊपर जंप मारता हूँ। खैर गाइस फिनिश करते हैं इस वाले बंदे को, और यहाँ पे गाइस फिर मैं जाता हूँ जोन में, लेकिन इस गाड़ी का यही भाई बचा, अगर अकेला बंदा सामने आया भाई क्या ही ट्रोल करते हो, मतलब वो पूरी फायरिंग देता जाएगा तुम्हारा घंटा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जैसे उसकी रिलोड पे जाए तुम पहले दो से। फिर यहाँ पे गाइस गैस स्टेशन रेंडर नहीं होता तो गाड़ी ग्लिच हो जाती है पहले, तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से जाते हैं उड़ के। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और भाई जो ब्लू वाला घर है वहां से फायरिंग आ रही थी तो वहां पे देखते हैं फिर। अब वहां से फायरिंग आती है अगेन, और यहाँ पे भी एक बंदा देखा, मेरे को लगा अकेला बंदा है, जाके मतलब रश मार देते हैं, लेकिन अभी देखो मेरे साथ हो सकता है भाई देखो। भाई ये क्या है यार, मतलब भाई देखा मेरा एग्जिट का बटन कितनी जल्दी दबा, मतलब भाई क्या था ये, भाई अकेला बंदा फायरिंग दे रहा था, अकेले बंदे की खोपड़ी दिखी है, दो लेटा रखे थे। खैर गाइस आज वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो मिली तो लाइक मार दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और हां गाइस डाउनलोड कर लेना माय 11 सर्कल को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां आपको मौका मिल रहा है थार जीतने का, वो भी सिर्फ एक रुपए में, 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे, और 1500 ज्वाइनिंग बोनस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।